बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के गाने मधुबन में राधिका नाचे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अल्टीमेटम दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी से माफी मांगने और गाना हटाने के लिए कहा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि वह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। मधुबन गाने को लेकर विवाद। सनी लियोन का हाल ही में एक गाना मधुबन रिलीज हुआ है, इसको लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। गाने में सनी लियोनी के डांस पर लोगों ने आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के संत भी इस गाने के वीडियो पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। सनी लियोनी के डांस को संतों ने अश्लील बताया है। उनका कहना है कि बॉलीवुड की आइटम डांसर ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। गृह मंत्री ने कहा कि माफी मांगे और वीडियो हटाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ विधर्मी हिंदू आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। राधा माँ हमारी भगवान है, देश में अलग से राधा के मंदिर है, माँ राधा की पूजा होती है। शाकिब तोशी अपने धर्म पर भी क्या कोई गीत बना सकते हैं? यह हिंदू धर्म पर चोट जरूर पहुंचाती है। गृह मंत्री ने सनी लियोनी और शाकिब तोशी को हिदायत देते हुए कहा कि समझे और संभले। यदि 3 दिनों के अंदर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो वीडियो नहीं हटाया तो विधि विशेषज्ञों से राय लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सनी लियोनी ने मधुबन में राधिका नाची है गाने पर अश्लील डांस किया और साकिब ने उसे बनाया। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदू आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी, कृष्ण भगवान, राधा माँ ये हमारी भगवान ही हैं। अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोशी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हमारे धर्म की आस्थाओं, हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती हैं। मैं सन्नी लियोनी जी से, शाकिब तोशी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें, विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे, तो हम कानूनी कार्रवाई इन पर कर देंगे।